हाय गाइस, मैं हूँ सुनील, फिर से एक नया वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। तो यार गाइस, क्या होता है कि आप लोगों को पता है ये एक चैनल को ग्रो कैसे किया जाता है, वो आप लोगों को नहीं पता है। बट मैंने पिछले 3 साल में क्या क्या एक्सपीरियंस किए थे और मैंने यार आज फाइनली अपना चैनल यार मोनिटाइज भी हो चुका है। तो अब मैं अपना सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ कि आखिर में मैंने किस तरह से ये सारा डिटेल में मैंने अपना चैनल ग्रो किया है और आज मेरा फाइनली चैनल यार मोनिटाइज भी हो गया और मैंने फर्स्ट बार चैनल मोनिटाइज करवाया। और आपको नहीं पता होगा, मैंने इससे पहले कभी मेरे पास कोई चैनल है भी नहीं और ये मेरा लाइफ का पहला चैनल था और मैंने इसी के ऊपर अच्छे से मेहनत करके और अच्छे से मैंने इसको यार मोनिटाइज भी करवा लिया। आप लोगों को पता चल गया होगा। तो देखो, यहाँ पर क्या होता है कि आप एक नए यूट्यूबर किस तरह से ऐसा काम कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको यूट्यूब पर टाइम देना पड़ेगा और आपको पहले सीखना पड़ेगा। देखो, मैं स्टार्टिंग में क्या करता था कि मैं यूट्यूब पर रेगुलर नहीं रहता था, ठीक है, मतलब मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब पर रेगुलर नहीं रहने का काम नहीं करता था। बट मैं वहाँ यूट्यूब पर देखता था और उनको सीखता था बोलने का तरीका, यूट्यूब पर वीडियोज़ कैसे बनाए, कैसे एडिट करते, ये चीज़ें मैं सीखा स्टार्टिंग में। मैंने बीच बीच में एक दो वीडियो अपलोड करता गया, वो सिर्फ ट्राई करने के लिए। देखो, आपको बीच बीच में एक दो ट्राई भी करनी चाहिए। तो अब मैंने इस धीरे धीरे से ऐसे वीडियो अपलोड किए थे और बट मैं रेगुलर कब जब रहा, जब मेरे यार 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे, फिर मैं वहां से रेगुलर रहना स्टार्ट हो गया। फिर वहां से मैं आज तक रेगुलर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। बट मैंने क्या किया, सीखा पहले। अब मेन चीज यहां होती है कि जब तक आप यार यूट्यूब पे सीख नहीं सकते हो, पहले आपको सीखना पड़ेगा तो ही आप यूट्यूब पर किसी को सिखा सकते हो, ठीक है। तो वहां पर पहले आप सीखो। देखो, आपको बोलने का तरीका भी सीखना पड़ता है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी भी सीखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको थंबनेल कैसे लगाए, टाइटल कैसे लगाए, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाए, ये सारी चीज़ें जब तक आप यूट्यूब पर सीख नहीं जाते तब तक आप चैनल अपना ग्रो नहीं कर सकते। अगर मिनिमम टाइम में आपको बता दूँ सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम लगता है 4 से 5 महीने, इतना टाइम आपको सिर्फ सीखने में लगता है। फिर उसके बाद चैनल ग्रो करने में 4 से 5 टाइम और लगेगा। तो ये चीज़ें होती है आपको सीखने की और अपने चैनल को यार अच्छे से ग्रो करने की। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक अपना चैनल यार ग्रो नहीं कर सकते। अब आपको ये कोई भी बोल देगा कि मैं आपको 30 दिन में प्रो यूट्यूबर बना दूंगा या फिर 2 महीनों में प्रो यूट्यूबर बना दूंगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो आपको ये बता देगा कि आप वीडियो ऐसे एडिट करो, ऐसे अपलोड करो और ऐसे टाइटल और ऐसे डिस्क्रिप्शन लगाओ, ये चीजें वो लोग आपको बता सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको क्या कह रहा हूं कि वो आपको बोलने का तरीका नहीं सिखा सकते, वो आपको स्किल नहीं सिखा सकते, वो आपका कंटेंट नहीं सिखा सकते कि आप कंटेंट किस तरह से अच्छा हो या फिर आप किस टॉपिक पर अच्छे हो, आप क्या क्या अच्छा कर सकते हो, वो दूसरा नहीं सिखा सकता है आपको। तो ये खुद अपने हिसाब से सीखनी पड़ेगी, ये सब चीजें आपने खुद को सीखनी पड़ेगी तो ही आप यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हो। किसी के सारे कोई आपको नहीं सिखा सकता है। जब तक आप खुद की मेहनत से नहीं सीखते हो यार, तब तक आप कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, अपना चैनल भी ग्रो नहीं कर सकते और यार कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते। तो कोशिश करो आप सीखने की, जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आप बनोगे। तो यार गाइस, वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, फिर से एक नया वीडियो जल्दी मिलता है, तब तक ले गुड बाय।